स्टूडेंट्स, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 के 1.2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने गांधी जी के 3 सत्याग्रहों के बारे में पढ़ा है और आज हम रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के तीनों सत्याग्रह काफ़ी हद तक सफल रहे थे, जनता में भी उनकी छवि काफ़ी अच्छी बन चुकी थी अब तक। और 1919 में आकर गांधी जी ने अपनी अपार सफलता के चलते एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसीजन लिया, जो कि किसके अगेंस्ट था? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था। दिस एक्ट हैड बीन हरीली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास दिस एक्ट एंड इंडियन मेंबर्स डिसएग्री विद देम, बट दे हरीडली पास दिस एक्ट टू स्टॉप द पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड दिस एक्ट वॉज पास, इसके चेयरमैन थे सर जॉन सिडनी रॉलेट, इसके अध्यक्ष थे। एंड दिस एक्ट गेव द इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई हथियार नहीं था। तो उन्होंने इस एक्ट के माध्यम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी। एंड नाउ दे हैड द पावर टू पुट एनी वन इंटू द प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो ये गांधी जी को, गांधी जी नॉन वायलेंट, ये इनजस्टिस के खिलाफ जो है सत्याग्रह छेड़ते थे, सत्याग्रह चलाते थे। तो इसको एक सत्याग्रह के विषय के रूप में चुन लिया गया। इसको, रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने ब्लैक लॉ नाम दिया है। और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल से इसके खिलाफ जो हड़तालें थी, स्ट्राइक्स थी, वो करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, रॉलेट सत्याग्रह किस तरीके से फैला, तो इसका विरोध भारतीयों ने किस प्रकार किया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। इस तरीके से लोग धीरे धीरे उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने लगे। रेलवे और टेलीग्राफ जो सेवाएं थी वो भी ख़त्म कर दी गई, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी नेशनलिस्ट को रिप्रेस करने का हर संभव प्रयास करता रहा। उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे जिनकी समाज पर अच्छी पकड़ थी, उनको एक एक करके इम्प्रिजन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास पावर थी रॉलेट एक्ट के चलते। सो रॉलेट एक्ट, सॉरी, लोकल लीडर वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर फ्रॉम एंट्रिंग दिल्ली। ऐसे कई सारे नेताओं को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्रिजन करना स्टार्ट कर दिया, तो उनमें से जो जिनकी समाज पर अच्छी पकड़ थी, जनता उनको रिहा करवाने के लिए प्रयास करने लगी। इसी तरीके से अमृतसर में सबसे पहले 10 अप्रैल को, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोक वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। तो जब 10 अप्रैल को इस तरीके का वहाँ माहौल बन गया अमृतसर में, तो वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया जनरल डायर के, और जनरल डायर को इसकी कमांड संभालने के लिए कह दिया गया। अब देखिए, इन्हीं सब के चलते एक बहुत बड़ी जो घटना हुई भारत के इतिहास की, फेमस घटना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स टू प्लेस। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑन दैट डे
On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. The people, they don't know that martial law was imposed in that area, and they peacefully gathered in Jallianwala Bagh. और वो वहाँ पर दो चीज़ों की, एक तो वो बैसाखी का अपना पर्व मना रहे थे और दूसरा वो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई की मांग भी कर रहे थे. बट दे हैड नो वेपन्स, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो पीसफुली गैदर्ड हुए थे. तो सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स एंड अदर हैड टू कम टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ एनुअल फेयर ऑफ बैसाखी. Being from outside the cities, many villages they were unaware of the martial law and had been imposed. That had been imposed. General Dyer, जिसको कि उस समय वहाँ का होलसोल इंचार्ज बनाया गया था, he entered the area, blocked down the exit point. उसने सारे गेट बंद करके और अपने सैनिकों को अंधाधुंध फायरिंग के लिए बोल दिया. And opened fire to on the crowd, killing hundreds. इसमें हज़ारों लोग मारे गए. एंड दिस वॉज ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य था, ये एक अमानवीय कृत्य था और इसने सत्याग्रहियों के मन में एक डर का भाव भी क्रिएट किया और सत्याग्रहियों को और ज़्यादा अगेंस्ट बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट. जैसे ही सत्या, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे ही जलियांवाला बाग की जो घटना है वो फैली तो जगह जगह विरोध होने लगे. देयर वर स्ट्राइक, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द ग्राउंड बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. गवर्नमेंट ने भी उनको बुरी तरीके से कुचला, उनके विरोध को बुरी तरीके से कुचला. इतना कि सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रह पे उतर आए थे लोग, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए उन्होंने इतना उनको रिप्रेस कर दिया. तो ये सारे जो इस रिप्रेशन से सत्याग्रही और ज़्यादा भड़क गए, जगह जगह जो है लोग हिंसा पर उतर आए. और जब हिंसा पर उतर आए तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया. सत्याग्रह जब वापस ले लिया गया, वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट इज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन. सत्याग्रह, भले ही सत्याग्रह जो था वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो उतना बहुत सारे सिटीज़ में नहीं फैल पाया था. तो इसके लिए महात्मा गांधी को एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा नेशन वाइड मूवमेंट एक स्टार्ट करना था जो कि इससे भी बड़ा हो. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर. वो ये भी जानते थे कि जब तक सब साथ नहीं आएंगे तब तक कोई भी जो मूवमेंट है वो सफल नहीं हो सकता. वन वे ऑफ डूइंग दिस, ही फेल्ट One way of doing this, he felt, was to take up the Khalifa issue. अब इस समय में जाकर 1920 में एक और बड़ी घटना हुई इसी संदर्भ, इसी इन्हीं सब के कारणों के चलते. वो हुआ खिलाफत इशू. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हो चुकी थी. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड देयर वॉज द र्यूमर्स दैट अ हार्स ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन अम्पायर. ऑटोमन अम्पायर के खलीफा जो कि धार्मिक गुरु होता है मुस्लिमों का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर टर्की युद्ध में हार भी जाता है तो वो खलीफा के मान सम्मान को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे. लेकिन जैसे ही टर्की हारा तो उन्होंने टर्की के भी टुकड़े कर दिए, आपस में बांट लिए उसके एरियाज को, और
उस पर हार्श ट्रिटी भी थोप दी, तो एक तरीके से उसका डिमोशन कर दिया खलीफा का। ये बात टर्की के मुसलमानों को रास नहीं आई, तो उन्होंने वहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला दिया। उसी खिलाफत आंदोलन का जो असर है वो भारत में भी देखने को मिला। तो भारत में भी लोग जो हैं वो अपने स्पिरिचुअल हेड खलीफा के पोस्ट को लेकर, उसके मान सम्मान को लेकर बहुत ही सजग थे। तो टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। एक खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया बॉम्बे में मार्च 1919 को, और इसको यहाँ जो भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला उसको लीड करने वाले लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। महात्मा गांधी को रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना था, और ऐसे में खिलाफत आंदोलन को उसमें मर्ज करके, अगर जब मर्ज करने की बात आई तो महात्मा गांधी को इससे अच्छा इशू आगे नहीं मिल सकता था, इसलिए वो चाहते थे यूनाइट करना हिंदू और मुस्लिमों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो इन सेप्टेम्बर 1920 में कैलकटा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ही कन्विंस्ड हिज लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज फॉर स्वराज। तो वहाँ पर इन्होंने मांग की कि एक ऐसा खिलाफत आंदोलन, सॉरी सपोर्ट ऑफ खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक ऐसा वाइड स्प्रेड जो है एक मूवमेंट चलाया जाना चाहिए जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो।